हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशन। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक्सिस बैंक में कैश डिपॉजिट करें। तो आइए सबसे पहले भरते हैं इस वाले पोर्शन को। दो पोर्शन होते हैं, फर्स्ट एंड फर्स्ट में यहाँ पे हमें सबसे पहले डेट डालनी है, जो भी आपकी डेट है आप उसको फिल कर यहाँ पे लिखिए। ब्रांच, जो भी आपकी ब्रांच है आप वो यहाँ लिखिए, जहाँ भी आप डिपॉजिट करें, और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नीचे नाम लिखना है जिसके अकाउंट में डिपॉजिट कराना है। यहाँ टेलीफोन नंबर लिखना है आपको, लिख दीजिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे अमाउंट लिखिए और यहाँ पे वर्ड्स में लिखिए, यहाँ पे कैश पे टिक मार के कैश लिख दीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। उसके बाद आते हैं सेकंड पोर्शन पे। हम सेकंड पोर्शन क्या कहते हैं, हमारे से यहाँ पैन नंबर लिखना है, लेकिन ये कह रहा है 50,000 से ऊपर है तब भरना पड़ेगा हमें, उसके लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी ब्रांच का नाम जहाँ हम कैश जमा कर रहे हैं, यहाँ पे डेट आएगी जिस डेट में हम कैश जमा कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, जिस भी बैंक में आपको जमा करना है आप उस बैंक में का लिख सकते हो, ODCC, RD, TL, DL, क्रेडिट कार्ड का भी भर सकते हैं। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे अपना, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना है तो लिखिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ लिखेंगे 10,000 ओनली, यहाँ लिखेंगे कितने के कितने नोट हैं, तो आप 500 के 20 नोट हैं, 10,000 रुपये हो गए, यहाँ पे 10,000 लिखेंगे और यहाँ पे हम साइन कर देंगे, जिसको जमा करना है वो यहाँ साइन कर देगा। इसके पीछे देखते हैं, इसके पीछे लिखा हुआ है डेट, कौन सी डेट को करना है जमा, और डिपॉजिट अमाउंट पूछ रहा है, पर्पस लिखना पड़ता है आजकल एक्सिस बैंक में, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, स्कूल फीस जो भी है, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, नेम ऑफ डिपॉजिटर, कॉन्टेक्ट नंबर, रिलेशन क्या है उसका, अगर आप खुद हो तो सेल्फ लिख दीजिए, अगर रिलेशन है ब्रदर फ्रेंड कुछ भी लिख सकते हैं आप। इस तरह से आप कैश डिपॉजिट स्लिप भर सकते हैं, और क्या है उसके साथ आजकल एक स्लिप इस तरह की भी दे देते हैं, इस तरह की भी स्लिप दे देते हैं आजकल भरने के लिए। मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है, अनेक्चर डिक्लेरेशन लेटर ऑफ थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट, थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट करती है सेविंग अकाउंट, अगर आपका नहीं है तो करंट अकाउंट के लिए। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, वही डेट, यहाँ कैश डिपॉजिट इन अकाउंट किस अकाउंट में डालना है, तो ये वाला अकाउंट नंबर आ जाएगा जो आपके ये अकाउंट नंबर है, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देंगे आप। आई विश टू कंफर्म द कैश डिपॉजिट ऑफ द मेंशन अकाउंट इज नॉट टू वर्ड लेटर गिविंग टू जॉब ऑफर इट अननोन सक्सेस, तो ये करके उसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर कर देंगे, रिलेशन ऑफ डिपॉजिटर के साथ क्या है, अकाउंट होल्डर अगर खुद हो तो सेल्फ भर दोगे, नहीं तो यहाँ पे आप अपना फ्रेंड कर दो या ब्रदर कर दो, कुछ भी कर दो जो आपको सही लगे। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिखना जरूरी है आपका, ये बैंक के लिए है, तो इस तरह से आप भर के अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एक्सिस बैंक में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद।